नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर MKG में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NCVT ITI फर्स्ट ईयर वालों अपनी मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों, हाल ही में 10 जनवरी को फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया है, तो आज हम आपको उसकी मार्कशीट के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आप अपनी मार्कशीट अपने फ़ोन में खुद डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू पहले करने से हम आपको बताते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको NCVT की मेन वेबसाइट खोल लेनी है। NCVT की मेन वेबसाइट है NCVT MIS। दोस्तों, उसे खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनी। दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे ट्रेनी लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको जाना है प्रोफाइल पे, ट्रेनी प्रोफाइल पे। दोस्तों, ट्रेनी प्रोफाइल पे जाने के बाद दोस्तों नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। दोस्तों, आपको प्रोफाइल पे जाना है, ट्रेनी प्रोफाइल पे जाने के बाद देखो कुछ ऐसा ये इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको फर्स्ट कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालना है। दोस्तों, यहाँ पे रोल नंबर डालना है। देखो, जैसे किसी का 00 से स्टार्ट है, दोस्तों यहाँ 00 से स्टार्ट है तो आपको 00 नहीं लगानी है। मान लीजिए किसी का 00 से स्टार्ट है, 00180 ऐसा ही कुछ है, आपको 00 नहीं लगानी है। 00 की जगह आपको कैपिटल R लिखना है। दोस्तों, कैपिटल R लिखने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद सेकंड कॉलम में आपको अपने फादर जी का नाम डालना है। फादर जी का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। दोस्तों, देख रहे होगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। दोस्तों, यहाँ पे अपनी अपनी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये कैचवा कोड डालना है। यहाँ पर आपको कैचवा कोड डालना है। दोस्तों, कैचवा कोड डालने के बाद आपको ये रिमेंबर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन आने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर आप दोस्तों देखो, मैंने अपनी यहाँ सभी जानकारी इस फॉर्म में फिल कर ली है। दोस्तों, फिल करने के बाद देखो डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार यहाँ डालनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। दोस्तों, इसे करने के बाद आपको यहाँ कैचवा कोड डालना, और कैचवा कोड डालने के बाद रिमेंबर मी इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक।
दोस्तों देख सकते हो इस फॉरेंसिक गिफ्ट पोर्टल पर मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। दोस्तों प्रोफाइल ओपन होने के बाद ये देखो यहाँ पे सबसे नीचे ईयरली का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है देखो प्रोफाइल ऐसी खुल जाएगी। ऐसी प्रोफाइल खुलेगा, इसमें मेरी सारी जानकारियाँ हैं। दोस्तों प्रोफाइल खुलने के बाद मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, यहाँ देखो दोस्तों देखो यहाँ मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर देखो अटेंडेंस जो है 19% है, अटेंडेंस एस टू देखो 93% है। एग्ज़ाम फीस देखो यस और सेशनल मार्क्स अवेलेबल हैं, और देखो सेशनल मार्क्स एच टू अवेलेबल हैं। दोस्तों देखो यहाँ दिखा रहा है इजिबिलिटी स्टेटस इजिबल है, हॉल टिकट और मार्क्स मार्कशीट। तो दोस्तों हमको मार्कशीट पे यहाँ क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ क्लिक करने के बाद प्रिंट आउट कर लेना है। दोस्तों देखो ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल लोड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ दिखा रहा है नो डाटा फाउंड फॉर द सर्टिफिकेट। दोस्तों रिजल्ट 10 जनवरी को आया है, इसके बाद 2 या 4 दिनों में यहाँ पर मार्कशीट अपलोड हो जाएगी, और बहुत आसानी से अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।